नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्टार को लेकर, स्टार मतलब चांद सितारे नहीं, बल्कि हम DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एक मल्टीपर्पोज मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अब मल्टीपर्पोज किस वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये आपको आगे चल के पता चलने वाली है। वैसे इसके बारे में मैंने सबसे पहले आप सभी को 2020 की सितंबर में बताया था, तब इसकी एक्चुअल इमेज वगैरह सामने नहीं आए थे, तो हमने इसके कुछ 3D इमेज को वहां पे क्रिएट किया था। लेकिन अभी इसके कुछ इंटरनल टेस्टिंग मॉडल भी सामने आ चुके हैं और कई डिफेंस एक्सपो के दौरान भी इसकी कुछ स्केल मॉडल को वहां पे डिस्प्ले किया आ चुके हैं। अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट अभी काफी हद तक कंप्लीट होने लगा और उम्मीद है कि इसी साल के एंड तक इसकी इनिशियल ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा। अब ये एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट पावर मिसाइल होने वाला है, जो कि मॉक 2.5 की स्पीड को अचीव कर सकता है। अब इनिशियली स्टार मतलब इसे एक सुपरसोनिक टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, जिसे हमारे वॉरशिप्स को दुश्मन की इनकमिंग एंटीसिप मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसे दुश्मन की इनकमिंग एंटीसिप मिसाइल की मिमिक करने के लिए वहां पर तैयार किया जा रहा था। इनिशियली इसकी रेंज लगभग 155 किलोमीटर तक होने की बात की गई थी, जिसे किसी भी शिप से या कैटापल्ट की मदद से लॉन्च किया जा सकेगा। लेकिन अभी इसकी दो अलग वर्जन को तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से एक हमारी एवेक्स किलर वेरिएंट होने वाली है और एक एंटी रेडिएशन वेरिएंट होने वाला है। इसमें से जो एवेक्स किलर वेरिएंट होगा, इसे मेनली हमारे तेजस फ्लीट में, यानी कि तेजस MK1 और तेजस MK2 फ्लीट में इस्तेमाल किया जाएगा और इसको अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की एक लो कॉस्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल जो होने वाली है वो एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम वाला मिसाइल होने वाला है, जो कि मिच्योर मिसाइल का स्टैंडर्ड का मिसाइल होगा। तो इसकी कॉस्ट हमें लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास पड़ जाएंगे, जबकि स्टार की बात करें तो इसका कॉस्ट हमें अस्त्र मार्क 3 के मुकाबले लगभग 3 गुना के आसपास कम पड़ने वाला है, जिस वजह से इसको अभी अस्त्र मार्क 3 के मुकाबले एक लो कॉस्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। और जब तक इसकी पहली टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जाता है, तब तक इसके बारे में और ज्यादा बताना पॉसिबल नहीं होने वाला। अगला अपडेट तेजस MK1A को लेकर, जैसे कि अभी तेजस MK1A के लिए ऑफिशियल ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है और अभी तेजस MK1A की डिलीवरी जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इनिशियली 2023 से तेजस MK1A की डिलीवरी शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया था और अभी ये लगभग 2024 से शुरू होने वाला है और इसको 2024 की शुरुआत से इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू किया जा सकता है। इसी बीच HAL की तरफ से भी तेजस MK1A के लिए सभी सब सिस्टम को ऑर्डर करना स्टार्ट किया जा चुका है और रिसेंटली सफरान डाटा सिस्टम्स की तरफ से HAL की तरफ से फ्लोट किए गए एक टेंडर में तेजस MK1A के लिए सप्लाई किए जाने वाले मिशन रिकॉर्डर के टेंडर को हासिल किया गया और इसमें सफरान तेजस MK1A के लिए अपनी VS-1510 एवन रिकॉर्डर्स को प्रोवाइड करने वाला है। VS-1510 256 XTS एनक्रिप्टेड एल्गोरिथम के साथ आती है, जो कि 2 TB तक की स्टोरेज फैसिलिटी को सपोर्ट करती है और ये स्टोरेज फैसिलिटी भी पूरी तरीके से रिमूवेबल है, यानी कि अगर ये फुल हो जाता है तो इसको तुरंत ही एक नए SSD से रिप्लेस किया जा सकता है और इसमें इन फ्लाइट होने वाली किसी भी डाटा को स्टोर किया जा सकता है, चाहे वो कोई वॉइस रिकॉर्ड हो गया या फिर कोई हाई डेफिनेशन का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। और ये सेम रिकॉर्डर है जिनको अभी हमारे रफाइल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सभी हेलीकॉप्टर्स में, स्पेशली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले ADS सिस्टम, यानी कि एयरबॉर्न डिफेंस सूट को इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से इनके लिए ADS सिस्टम को सप्लाई करने के लिए VL को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अभी PTI की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक VL की तरफ से अभी ऐसे ही एक ADS सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बेलोरिशियन कंपनी के साथ टाइप किया गया और इसके लिए ऑफिशियल MOU को साइन किया गया। इस MOU को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस इनिशिएटिव और डिफेंस इनिशिएटिव एरो के बीच साइन किया गया था, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस इनिशिएटिव का प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन सिस्टम को या इन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स को सप्लाई करने वाला है। इसके लिए डिफेंस इनिशिएटिव की तरफ से अपनी ADS सिस्टम की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को VL के साथ शेयर किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।